Assalamu alaikum and welcome to my channel EHA assignments. Dear students, aaj advanced accounting assignment 2 ki explanation hai. Explanation of assignment 1 444 course code advanced accounting already main kar chuki hui hu video upload. Hopefully aapko samajh mein aa gayi hogi. Assignment 2 ki tab move karte hain. A and B entered into a joint venture to take a building contract which was worth of rupees 240,000. They provide following information regarding the expenses. Theek hai, material, cement, wages, architect fee, plant aur baki tamam things jo given hai, theek hai? Sorry, aapne karna kya hai ki general entries pass karni hai, theek hai? Aur general entries pass karne ke liye आप इस तरह एक्सेल शीट पे अपना डेटा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? डेट, कैश, एज बुक और पे बीज बुक, ठीक है? और फिर उनके कोवेंचर्स, ठीक है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ए लिमिटेड फॉरवर्डेड ऑन 1st December 2020 50 प्रेशर कुकर्स टू के ई ऑफ मुंबई टू सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ एच लिमिटेड, ठीक है? बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स गिवन है, आप इस क्वेश्चन को थॉरली पढ़ लीजिएगा. आपने इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपने लेजर प्रिपेयर करना है एच लिमिटेड का और अगेन जनरल एंट्रीज ये पास करनी है, ठीक है? लेजर प्रिपेयर भी एक्सेल शीट पे आपका होगा जिसमें फर्स्ट कॉलम डेट, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर डीआर और सीआर यानी डेप्ट और क्रेडिट का आ जाएगा, ठीक है? वो आपकी कंप्लीट आ जाएगा. फिर उसके बाद उसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो अकाउंटेबल जो पेएबल अकाउंट्स हैं वो और फिर कमीशन अकाउंट्स और कैश अकाउंट्स, ठीक है? मूव करते हैं इसकी जो कंसाइनमेंट है मुंबई अकाउंट की, ठीक है? उसका जो कंप्लीट एंट्रीज हैं उनको आप एक्सप्लेन कर देंगे और जो गुड्स सेंड किए गए हैं उनकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, ठीक है? ये सारा काम आपका एक्सेल पे होगा और अगर आप ऑनलाइन असाइनमेंट बना रहे हैं तो फिर आप एक्सेल का स्क्रीनशॉट लेकर वर्ड पे उसे पेस्ट करेंगे और अगर हैंड रिटन कर रहे हैं तो जाहिर है इनको टेबल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. सुबान लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन कलकत्ता इनवॉइस गुड्स. अच्छा स्टूडेंट्स, असाइनमेंट को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप को हैंड रिटन असाइनमेंट या ऑनलाइन असाइनमेंट रिक्वायर्ड हो तो उसके लिए आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना रहा हो तो उससे रिलेटेड भी आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3. सुबान लिमिटेड विद इट्स हेड ऑफिस इन कोलकाता इट्स टू इट्स ब्रांच एट मुंबई एट 20% द कैटलॉग प्राइस. अच्छी सारी डिस्क्रिप्शन गिवन है कि क्या क्या चीज़ें डिस्काउंट 15% है और स्टॉक किस डेट को आया है, इनवॉइस प्राइस वो सब कुछ गिवन है, ठीक है? और हमें करना क्या है कि जिस तरह से फाइंड आउट हमें क्या करना है, इसकी लास्ट लाइंस आप दोबारा से देख लें. ऑन द बेस ऑफ ईयर्स ट्रेंड प्रॉन्ट पेमेंट्स. अच्छा इनकी बेसिस पे आपने इनकी पेमेंट्स फाइंड आउट करनी है. एक्सेल पे ही ये भी वर्किंग जाएगी सारी आपकी और पर्टिकुलर्स अमाउंट और जो ब्रांच स्टॉक था, ठीक है? और उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट्स बनेंगे, फिर ब्रांच पीएल अकाउंट, ठीक है? फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. व्हाट डू डिपार्टमेंटल अकाउंट्स मीन. अच्छा ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है. सबसे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स की डेफिनेशन आएगी, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर देंगे और फिर जो बेसिस होती हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? यहाँ आप देख सकते हैं. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ एक्स वाई लिमिटेड फॉर 90,000 पेएबल इन फुली पेड शेयर्स, ठीक है? ये आपकी रिक्वायरमेंट्स इस मतलब जो गिवन है वो सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं और उससे आप उनका शेयर कैलकुलेट करके जनरल एंट्रीज कर लेंगे, ठीक है? जनरल एंट्रीज पास करेंगे. होप सो असाइनमेंट क्लियर होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.